आज जिस जगह की मैं आपको गेड़ी मरवाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, बेशक वो किसी भी पेशे से हो। ठीक है जी, पहले इसी थोड़ा स्लो कर लूं। आज हम लोग जा रहे हैं PGI चंडीगढ़, जो सेक्टर 12 ऑफ चंडीगढ़ में पड़ता है। तो आज PGI की गेड़ी मारेंगे, अंदर से देखेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा माहौल है वहां पे, क्या कुछ है, कौन से ब्लॉक्स हैं। मेरे को भी नहीं खैर पता सारा कौन सा ब्लॉक कैसा है, लेकिन जो भी होगा अंदर गेड़ी मारेंगे, घूम के आएंगे अंदर PGI के। ठीक है जी, फिलहाल 11 सेक्टर में, 11 से सीधा 12 ही जाना है, साथ में पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको PGI चंडीगढ़ भी दिखाया जाए, हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया का इतना बेस्ट हॉस्पिटल है और इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। ठीक है जी, तो चलते हैं सीधा PGI चंडीगढ़। 3 गेट है PGI चंडीगढ़ के, देखते हैं कौन से गेट से एंटर करेंगे, दो तीनों ही दिखा दूंगा बार बार से। ठीक है जी, अंदर क्या क्या है, जिन्होंने नहीं देखा वो ना ही देखें तो बढ़िया है, व्लॉग के थ्रू देख ले, बहुत है, रियल में ना ही आए तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि मत आना। ठीक है जी, इस जगह पे ना तो एक घूमने वाली जगह ना कुछ है, लेकिन एक नॉलेजेबल जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि PGI चंडीगढ़ हॉस्पिटल क्या माहौल है और कैसा है। ठीक है जी, व्लॉग के थ्रू ही देख लेना, बहुत है, पर्सनली ना ही आओ तो बढ़िया है। तो गाइस, यहाँ से PGI चंडीगढ़ है जो वो शुरू हो रहा है, यहाँ से मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है। देखो बाहर लिखा भी है पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च PGI। ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ से एंट्री है। देखो अंदर घुसते ही कार्डियक सेंटर, DDC, आई सेंटर, कई कुछ है यहाँ पे, रेजिडेंस भी है और हॉस्टल भी है जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स का रेजिडेंट भी है। ठीक है जी, ये सारा पार्किंग का एरिया राइट साइड पे। थोड़ी बहुत नॉलेज तो मुझे है इस जगह की, क्योंकि हम आसपास ही रहते हैं तो हमें पता ही है इस चीज़ के बारे में। ठीक है जी, ये सारे लेफ्ट पे घर हैं, सरकारी घर, जो PGI के डॉक्टर हैं उनके, सीनियर डॉक्टर या जैसे जैसे भी उनका वो है ओहदा उसके हिसाब से। ठीक है जी, ये देखो राइट पे टीचर्स फ्लैट, स्कूल भी है PGI में, एक सरकारी स्कूल है PGI चंडीगढ़ में बच्चों के लिए, जो बिल्कुल एंड पे पड़ता है, ये पड़ता है सेक्टर 12 ऑफ चंडीगढ़ में। ये देखो PGI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो खेलकूद का पूरा ध्यान रखा जाता है, जो यहाँ पे रहते हैं डॉक्टर्स उनके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ही फिट नहीं रहेंगे तो फिर क्या मरीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो उस पर्पज़ के लिए इधर हॉस्टल है लड़कियों का, लेफ्ट पे सारा उधर, ये देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सेंटर बने हुए, लाइब्रेरी भी है क्योंकि ये कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है, पेड्रियाटिक सेंटर, लाइब्रेरी, पहले आपको बिल्कुल एंड तक ले जाता हूँ। देखो वो है जी गेट नंबर 1, जो मेन गेट है PGI का, नेहरू हॉस्पिटल लेफ्ट पे, शव ग्रह इधर सारा, तौबा तौबा, पहला व्लॉग है जो बनाते हुए मेरे को थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि क्या ही कर रहा हूँ मैं, चलो कोई ना, हैप्पीनेस नहीं है। देखो कैसे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे दुखी होके, सामान उठा के इधर से उधर, यहाँ से यू टर्न लूंगा मैं, ये मेन गेट आ गया जी। ये देखो लिखा भी हुआ है ट्रॉमा सेंटर, नेहरू हॉस्पिटल, ये लेफ्ट पे है जी ट्रॉमा सेंटर, एडवांस ट्रॉमा सेंटर, यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, ज़्यादा देर हम किसी को शूट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे कितना बुरा हाल है, सारे घास पे बैठे हैं पेशेंट्स के साथ जो आए हुए हैं। देखो ये रियलिटी है जी, ग्राउंड रियलिटी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, लोग ऐसे लेटे हुए हैं, देखो एमरजेंसी इधर सारी। ठीक है, इधर भी ब्लॉक्स हैं काफ़ी, यहाँ बाद में चलेंगे। ये देखो ये जी नेहरू हॉस्पिटल PGI का, ये भी है कोई सेंटर सुंटर तो मेरे को पता नहीं कौन से हैं, कैरो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जी ये, एडम ब्लॉक, कैरो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कैरो मिनिस्टर था पंजाब का उसके नाम से, आदेश प्रताप कैरो उनके फादर के नाम से शायद ये। ठीक है जी, नो हॉर्न PGI चंडीगढ़, पेशेंट्स इधर उधर घूम रहे हैं, डॉक्टर्स घूम रहे हैं, ये हॉस्टल है जो शुरू में दिखाया आपको, बच्चों का हॉस्पिटल इधर है, इधर जाते हैं देखो चिल्ड्रंस एमरजेंसी, ये सामने काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, बड़ी दूर दूर से मरीज आते हैं, लोग आते हैं इलाज के लिए। ये देखो ये भी ब्लॉक है कोई, चिल्ड्रन एमरजेंसी सेंटर, ये देखो गाड़ियाँ ऐसी पार्कड हैं क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है, मरीज ही मरीज हैं दुनिया भर के, देखो दोनों साइड। अंदर का कुछ ऐसा हाल है, शूट करने का भी दिल नहीं कर रहा पर फिर भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो पार्किंग फुल, यहाँ से तो यू टर्न मारना पड़ेगा। देखो गाइस, दुनिया यहाँ अपनी खुशी से नहीं आती, दुखी होके आती है पूरी,
इसको कहते हैं ना कि हाँ किस हिसाब से दुखी है, तो दुनिया बहुत दुखी है। ठीक है जी, यहाँ कोई सच्चे और अच्छे मन से नहीं आता, खुश मन से। किसी की कोई मजबूरी है, कोई पेशेंट है, उनके साथ आते हैं या किसी को लेके आते हैं। तो हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आके पता चलता है इंसान को। देखो ये लाइब्रेरी है सामने, यहीं से वापस यू टर्न ले लेते हैं। ये बच्चों का इधर वार्ड, गाड़ियां ही गाड़ियां देखो दुनिया भर की, मरीजों की, डॉक्टर की। पर्ची कटवानी पड़ती है, कितने कितने दिन पहले वो लेनी पड़ती है, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट्स, फिर जाके डॉक्टर मिलते हैं। इसलिए मैं कहता होता हूँ सेहत से ऊपर कुछ नहीं है, जो भी करो एक मॉडरेशन में करो। ये नहीं कह रहा मैं इंजॉय मत करो, जिंदगी काटने नहीं आए हो, जीने आए हो, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे जियो कि हर चीज पे तुम्हारा कंट्रोल हो। ये नहीं कि कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, चाहे कुछ खाते पीते हो या कुछ भी है। देखो संजीवनी हॉस्टल, हर चीज पे एक आपका कंट्रोल होना चाहिए, लाइफ को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। देखो पेशेंट को कैसे लेके जा रहे हैं, ओहो हो, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की भला करे बाबा जी सब दा। प्रे फॉर दीज पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, पीजीआई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंड बी थैंकफुल टू गॉड कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपको एक अच्छी सेहत से नवाजा है ऊपर वाले ने। ठीक है जी, शुक्रिया ना करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा लड़ते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन असलियत ये है कि सेहत से ऊपर कुछ नहीं। यहाँ पे आके देख लो, आपकी सारी असलियत खुल जाएगी। देखो ओल्ड डॉक्टर्स हॉस्टल, आपको दुनिया के सारे रियलिटी पता लग जाएगी कि क्या जिंदगी है। मैं ऐसे रोता रहता हूँ बिन बात के, ये सच्चाई है। ये हॉस्टल है सारे, देखो कमरे हैं, बालकनियां बनी हुई हैं। ऑन माय राइट ये हार्ट वाला है, लेफ्ट में कार्डियक सेंटर, ये देखो लिखा भी हुआ है पीजीआई का कार्डियक सेंटर। यू टर्न मार के आएंगे तो दिखाऊंगा राइट से। ये देखो मैरिड डॉक्टर्स हॉस्टल, ये मैरिड डॉक्टरों का हॉस्टल है। न्यू बैचलर हॉस्टल भी साथ में ही है, मैरिड और बैचलर साथ में ही रखे हुए हैं, चलो ये उनकी मर्जी। दवाइयाँ, अब ये वाला ब्लॉक आ गया जो थर्ड गेट है पीजीआई का, बिल्कुल डेड एंड पे, और इसके साथ ही है जी गोल मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे सारी मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे दवाइयाँ दवाई मिलती हैं, ढाबे डूबे हैं खाने पीने के लिए, एटीएम वगैरह है फॉर द कैश। ठीक है जी, पेशेंट्स वगैरह यहाँ पे जो उनके साथ आते हैं, यहाँ पे खाना पीना मिलता है रात को, और 24 घंटे दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ये बाकी कुछ ब्लॉक्स हैं जो बन भी रहे हैं, पुलिस पोस्ट भी है इसके अंदर, पुलिस थाना, ये रहा इधर लेफ्ट में। ठीक है, दवाइयाँ ये है जी गोल मार्केट सारी, केमिस्ट्री केमिस्ट है, ढाबा भी है, सारा कुछ है इसमें खाने पीने के लिए। तो पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल है बड़ा, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल है। बैंक भी है इसमें एसबीआई का, वो आ गया जी सामने 3 नंबर गेट, वहां से यू टर्न मारूंगा। ये 2 नंबर गेट के पैरेलल ही है, थोड़ी सड़क टूट रखी है यहाँ पे, बाकी कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी, वो तो आ गया जी डेड एंड बिल्कुल, तो राइट पे जाके आते हैं, इधर क्या है, दैट इज द डेड एंड पीजीआई। देखो ये पार्क है, यहाँ भी मरीज बैठे हैं, जहां जगह मिल जाती लोगों को वहीं बैठे हुए हैं लोग। यार ये घर हैं देखो, थोड़े मेरे को लगता है बी सेक्शन वालों के घर है, क्योंकि जो पहले घर दिखाए थे वो बड़े थे। हाँ ये छोटे घर हैं पीजीआई के अंदर, सरकारी क्वार्टर बोलते हैं ना जिन्हें, वो हैं सारे लेफ्ट राइट दोनों। अंदर वेयर का बूथ भी है, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। गुरुद्वारा साहब भी है उधर सामने, बाहर से दिखा लाता हूँ, यहाँ तो गाड़ी जाएगी नहीं। वो बिल्कुल सामने गुरुद्वारा साहब है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ठीक है जी, वो डेड एंड पे देखो सारा रेजिडेंशियल एरिया, आगे डेड एंड है, तो मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ से यू टर्न मार लेना चाहिए, क्योंकि आगे स्कूल भी है। नहीं डेड एंड नहीं है, चलो रास्ता तो है। देखो ये भी रहने के लिए है, सारा क्वार्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे काम करते हैं उनके। इधर भी गुरुद्वारा साहब बन रहा है, वाल्मीकि लिखा हुआ है कुछ। इस साइड में पहली बार ही आया हूँ, तो मेरे को ज़्यादा इस जगह की नॉलेज नहीं है, आपके साथ ही गेड़ी मार रहा हूँ मैं आज, गेड़ी विद मी पीजीआई चंडीगढ़। सारे लोकल लोगों के घर हैं, जो अंदर स्टाफ है उनके क्वार्टर्स, बच्चे खेल रहे हैं,
डॉक्टर्स किसी के बच्चे होंगे। वो देखो ये आ गया जी मंदिर और गुरुद्वारा साथ में। जय श्री राम। एक साइड मंदिर है एक साइड गुरुद्वारा है, ये भी सही है। और अच्छा चर्च भी है साथ में, जीवन ज्योति चर्च, तीनों चीजें साथ में है। ये गुरुद्वारा साहब है तो यहाँ भी पेशेंट्स रुक रहे हैं। आगे देखो यहाँ दुआ मांगने, ये देखो गुरुद्वारा साहब है और ये मंदिर आ गया जी आगे, साथ में पार्क है, पेशेंट्स बैठे हैं। देखो ये है जी मंदिर। जय श्री राम जय हनुमान। तो लोग आते हैं दुआ करते हैं अपने लव्ड वंस के लिए ठीक होने की, यहाँ पे गुरुद्वारे में मांगते हैं, दुखी होके आते हैं सारे। ठीक है जी। वो सामने कोई बिल्डिंग है वो बन रही है, नया कोई ब्लॉक है वो बन रहा है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो कोविड वार्ड बनाया था इन्होंने नया 2020 में ना, जहाँ पे सारे कोविड के मरीज से बड़ा खौफ फैला था लोगों को, सारे कोविड के उसी में थे। मैं दिखाता हूँ बाहर बाहर ही है वो भी। वो आ गए 3 नंबर गेट और यहाँ से हम फिर वापस आ गए हैं। राइट पे देखते हैं क्या क्या है। ये सारी मार्केट है, गोल मार्केट बोलते हैं इसको, जहाँ दवाइयाँ वगैरह खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये देखो कंटीन ढाबा भी लिखा हुआ है, दवाइयाँ। ठीक है जी। कार्डियक सेंटर, ये भी सारा आगे डेड एंड ही है, इसमें काफ़ी बड़ा है हॉस्पिटल PGI चंडीगढ़। अब डिटेल में जाएंगे तो पता नहीं क्या कुछ है। ये भी हॉस्टल है, लड़कियां निकल रही हैं अंदर से, हॉस्टल ही लग रहा है मेरे को। ये राइट पे कार्डियक सेंटर है हार्ट का, आई सेंटर भी राइट पे, न्यू OPD भी राइट पे है। इधर भी रेजिडेंसी है, नर्सरी लॉन्ड्री वर्कशॉप सारी उधर है। ये है जी कार्डियक सेंटर। ये देखो पेशेंट यार, रियलिटी। ये देखो इधर से हम लोग आए थे, ये ग्राउंड। अब हम लोग आए थे राइट साइड से। ठीक है जी। आज वीकडे है तो पेशेंट्स ही पेशेंट्स घूम रहे हैं, उनके साथ आए हैं। सैटरडे संडे को इतना रश नहीं होता, खाली होता है, पता नहीं बंद होता है क्यों। कल परसों संडे था तो मैंने देखा था, उस दिन खाली पड़ा था। ये देखो थोड़े बहुत जो एडमिट होते हैं वो होते हैं, या कोई इमरजेंसी खुली होती है, बाकी जो मेन OPDs है वो बंद रहती हैं। ये सारा पार्किंग का एरिया, इसी में लोग सो जाते हैं गाड़ी लगा के जो साथ आए होते हैं। देखो 3-4 मंजिल पार्किंग है, बेसमेंट में भी है गाड़ियां खड़ी इसमें भी। ये आई OPD है, स्किन का भी है, इसमें काफ़ी कुछ है। ये देखो ये बिल्कुल 3 नंबर गेट के साथ में पड़ता है, पहले 2 नंबर पता नहीं आई, हाँ न्यू OPD है सॉरी, ये इसके अंदर सारा है आई वगैरह का। और वो जो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं ना गाइस, वो बिल्कुल सामने नई बिल्डिंग है, जो सामने रेड वाली, इसको बनाया था कोविड वार्ड। ये नई बिल्डिंग बनी थी और इसको सीधा कोविड में तब्दील कर दिया था, तो बड़ा खौफनाक हो गया था उस टाइम पे, बनाते ही इसको कोविड वार्ड बना दिया था। नई बिल्डिंग बनी और इसको साथ में कोविड वार्ड बना दिया, कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता था, सोच के कि यार यहाँ से ना आ जाए कोई, वहाँ से ना आ जाए। ठीक है जी, अब बाहर निकल जाते हैं। अब तो आपका क्या कहना है गाइस, इस बारे में कमेंट जरूर करना कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा सेहत या क्या है। देखो पैसा इम्पोर्टेंट है नो डाउट, पैसा नहीं होगा तो जिंदगी सही नहीं चलती है, पैसा नहीं होगा तो अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, पैसे बिना आपको पूछता भी कोई नहीं है, रियलिटी ये है। लेकिन उससे भी जो ऊपर एक चीज है जो तुम्हारा रियल गहना है वो है तुम्हारी हेल्थ। मेरे को ना थोड़ा शूट करते हुए अजीब लग रहा था क्योंकि वहां पे कोई खुशी से जाने का दिल नहीं करता, किसी खुश नहीं होता इंसान, और किसी के हंसते हुए चेहरे नहीं थे वहां पे सब, मतलब उनको दिल नहीं कर रहा था शूट करने का, उदास उदास लोग घूम रहे हैं, मतलब अजीब लगता, अगला सोचता पता नहीं यार क्या दिखा रहा है ना, तो मेरा वो अंदर से था नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना था, आप लोगों तक ये व्लॉग पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैंने शूट किया इस चीज़ को, अदरवाइज मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, शायद मैं ना भी करता इसको। लेकिन इट्स एन इन्फॉर्मेशनल थिंग, इन्फॉर्मेशनल व्लॉग, तो इस पर्पज से मैंने इसको किया। तो जैसे भी था, चलो गाइस थोड़ा मूड ऐसा हो गया, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के शेयर भी कर देना। ठीक है जी, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ये था जी PGI चंडीगढ़ सेक्टर 12 में। ऑलराइट।